पंजाब में भगवंत मान सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। हाल ही में 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर के गेट तक पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खालिस्तानी नारेबाजी की थी। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में नंगी तलवारें और खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरवाला के पोस्टर लिए हुए थे। अब इस मुद्दे पर केजरीवाल के पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़ी हुई 2 क्लिप रिट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद करवा के गुजरात में तिरंगा लेके डोल रहा हूं। बता दें कि विश्वास ने यह ट्वीट खुद नहीं किया है बल्कि रिट्वीट करते हुए निशाना साधा है। कुमार ने जिस क्लिप को रिट्वीट किया है उसमें पहला वीडियो चुनाव के समय का है जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ में पंजाब सीएम भगवंत मान गाड़ी पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी क्लिप में लिखा है सरकार बनने के बाद खालिस्तानी यात्रा। यह क्लिप ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी यानी 6 जून 2022 की है जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर खालिस्तान के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग तलवारें लिए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों के हाथों में जनरल भिंडरावाला के पोस्टर बैनर भी हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा है लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा देश बटा कैसे था ऐसी सुनियोजित साजिशों और हमारी यह सहने की आदतों के कारण। तब भी मुझ जैसे लोग पागल कहे जाते थे, आज भी जब मैं बोला तो लोगों ने नहीं सुना। देश की सारी पार्टियां चुप बैठी हैं और भारत माँ के आंचल को फाड़ने की योजना बनाने वाला मुखर, आज का पंजाब। वहीं इसी साल 18 फरवरी को भी कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। कुमार विश्वास ने कहा था मैं आपके माध्यम से केजरीवाल को चुनौती देता हूं। मैं यहां कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल बस ये कह दें कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दें कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा। दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून के आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल दें, एक बार बोल देना, क्या क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ। गौरतलब है कि 2 महीने पहले हुए पंजाब विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष से लेकर कई लोगों ने खालिस्तान को कथित समर्थन देने का आरोप लगाया था। अब ये आरोप सच थे या झूठ ये तो जांच का विषय है, लेकिन यह सच है कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में खालिस्तान की मांग ने खुलेआम सर उठाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में राज्य भर में कई जगह खालिस्तान के पोस्टर नजर आए हैं और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर निकली खालिस्तान की रैली कई सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।